वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, और यह टॉपिक आज का टॉपिक जो हमारा है वह सेमी मॉडल है। और सेमी मॉडल जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। और यह आज का टॉपिक खास करके SSC का जो एग्जाम होता है उसके लिए तो ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, और इससे अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस तरह का जो कंसेप्ट है इसको समझने में छात्रों को अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, समझ में नहीं आता कि इसको हम क्या करें, कैसे इसको डील करें। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे सेमी मॉडल भाग के बारे में। और यहाँ पर हमारा दो टॉपिक है, नीड और डेयर। इसको स्पष्ट करेंगे कि नीड और डेयर का इस्तेमाल हम लोगों को कैसे करना है, इसकी प्रकृति क्या है, कैसे इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों को जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सेमी मॉडल वर्ब है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है बिल्कुल सेमी है। सेमी का मतलब है कि इसकी प्रकृति हाइब्रिड है। हाइब्रिड इन द नेचर इस तरह का है कि यह कभी मेन वर्ब के रूप में काम करता है और कभी वह ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करता है। इसलिए इसके जो मिले जुले रूप जो हैं इसी के चलते इसको सेमी मॉडल वर्ब कहा जाता है ना। तो इसको हम लोग क्लियर करने की कोशिश करें। इसमें मुख्य रूप से नीड और डेयर है, इस पर हम लोग विचार करेंगे और यह कोशिश करेंगे, हम जानने का कोशिश करेंगे कि कब किस सेंटेंस में किस कब जो है यह मेन वर्ब की भूमिका में है और कब ऑक्सिलरी वर्ब की भूमिका में है। जब यह क्लास बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और अंत तक इस वीडियो में आप लोग बने रहेंगे, और जब हमारा क्लास समाप्त होगा तो आपका लर्निंग आउटकम होगा कि इस तरह की जो परेशानी है समझने में, इस तरह का प्रश्न जो आता है उसको डील करने में आपको काफी आसानी होगी, और मैं उदाहरण के साथ हर चीज को काफी क्लियर करने वाला हूं। तो हम लोग देखेंगे कि सेमी मॉडल जो वर्ब्स होते हैं उसकी क्या विशेषता होती है। तो जैसा कि मैं अभी बताया, इसकी जो विशेषता है या मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करता है। और जब जब यह ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करता है, जब यह ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करता है यानी मॉडल के रूप में काम करता है, तो हमेशा इसके साथ क्रिया का जो बेस फॉर्म है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को हम लोग समझेंगे। और एक कंसेप्ट और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब भी डेयर और नीड का इस्तेमाल ऑक्सिलरी में किया जाता है तो इस तरह के जो प्रश्न, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वह बिल्कुल इंट्रोगेटिव और निगेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसमें किया गया है तो आप समझेंगे कि हाँ यस, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसका काम किया जा रहा है। इसको हम लोग बिल्कुल ध्यान से उदाहरण के साथ पूरी स्पष्टता के साथ मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। अब बिल्कुल हम लोग कुछ उदाहरण से तो हर चीज क्लियर हो जाता है ना। उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे कि कैसे नीड और डेयर जो हमको काफी परेशान करने वाले टॉपिक हैं इसको कैसे हम लोग आसान और सरल कर सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा सेंटेंस है, ही नीड्स टू वर्क हार्ड। ठीक है, ही नीड्स टू वर्क हार्ड। आप देखेंगे कि यहां पर नीड में एस लगा हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब की जो मुख्य विशेषता है, मॉडल वर्ब की जो विशेषता यह है कि इस तरह के जो वर्ब होते हैं उसमें कभी भी उसका रूप चेंज नहीं होता है, उसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं किए जा सकते हैं, उसमें बदलाव नहीं किए जा सकते हैं। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ही के साथ यहाँ पर एस लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें छेड़छाड़ किया जा रहा है, और छेड़छाड़ जब किया जा रहा है इसमें जब बदलाव की गुंजाइश हम देख रहे हैं तो वह जो यहाँ पर है वह मेन वर्ब के रूप में है। मेन वर्ब के रूप में क्यों है, मेन वर्ब के रूप में इसलिए है कि इसके साथ और कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, और इसका जो है नीड जो है इसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है और इसलिए यह जो है इसको मेन वर्ब के रूप में हम लोग इसको कहेंगे। ठीक है, तो मेन वर्ब। ठीक है, तो इस तरह से इसका ही नीड्स टू वर्क हार्ड ये मेन वर्ब है। और यहां पर जो टू वर्क देख रहे हैं वह टू वर्क आपका इन्फिनिटिव है, यह वर्ब के रूप में नहीं है। ठीक है, और
इसमें एक ही जो भाग होता है इसलिए उसको मेन भाग कहा जाता है। चलिए दूसरे वाक्य से इसको और हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैं पहले बताया कि प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है और प्रश्नवाचक और निगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर नीड आई राइट टू हिम यह जो सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव में यहाँ पर नीड जो है आपको ऑक्सिलरी वर्ब की भूमिका में है ना, और क्योंकि इसके साथ आपका एक मेन वर्ब भी लगा हुआ है। यहाँ पर एक मेन वर्ब लगा हुआ है, जब इसके साथ मेन वर्ब लगा है तो आप इसके बाद टू का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, नीड आई राइट टू हिम तो इस तरह से नीड जो है आपका ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है। ठीक है, और जब ऑक्सिलरी वर्ब है, जी हाँ, मैं आपको कल बताया था कि यह ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है अकेला कभी नहीं आता है, इसके साथ मेन वर्ब का होना लाजिमी है। तो इस सेंटेंस में राइट जो है क्या है, राइट जो है आपका मेन वर्ब है। ठीक है, और ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, तो अक्सर परीक्षाओं में कभी कभी इसमें एस लगा करके, यहाँ पर एस लगा करके आपको परेशान करने की कोशिश करेगा और आपको गलती को वहां पर ढूंढ निकालने की कोशिश करनी है। ओके, चलिए वंस अगेन, यू नीड नॉट गो देयर मतलब आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। वंस अगेन, यू नीड नॉट गो देयर। ठीक है, यह यहां पर किस रूप में है आप बताएं, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है, और जब ऑक्सिलरी वर्ब में आता है तो उसका जो बेस फॉर्म होता है उसका यहाँ पर हम लोग वर्ब का जो मेन वर्ब है उसको बेस फॉर्म के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है यस, तो हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं, यू नीड नॉट गो देयर, ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है ना। इस चीज को हमेशा हम लोग को याद रखना है कि मॉडल वर्ब का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है, चलिए वंस अगेन आप सभी का स्वागत है और हम लोग कुछ और उदाहरण के द्वारा इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। यस, यू नीड नॉट गो देयर या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। कैसे हम समझ गए कि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम कर रहा है। यस, इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस के लिए हमने नोट लगाया हुआ है, तो जब भी निगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हम लोग को पहचान लेना है कि यहाँ पर इसकी भूमिका ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में की जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से यू नीड नॉट गो है ना, ऑक्सिलरी वर्ब का के रूप में जब इस्तेमाल किया जाता है तो जो मुख्य क्रिया जो होता है उसके साथ इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसमें यहाँ पर टू भूल करके भी नहीं लगाना है। अगर इस तरह के सेंटेंस में टू लगा करके निगेटिव सेंटेंस में दे दिया गया तो आप समझ लीजिए कि उसको एकदम हटा देना है। ठीक है, यो आपको गलती करवाने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर जो है टू आपको घुसा देगा, लेकिन टू यहाँ पर प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न को हम लोगों को समझना है। चलिए एक अगला सेंटेंस है हमारे पास, विकास नीडेड टू स्टडी वेल। ठीक है, विकास नीडेड टू स्टडी वेल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर नीडेड का मतलब जरूरत है, तो नीड जो शब्द है उसके रूप में परिवर्तन किया गया है, यहाँ पर इसके रूप में परिवर्तन किया गया है। जब भी रूप में परिवर्तन किया जाता है तो आप समझ लीजिए कि वह ऑक्सिलरी नहीं है, आपका मेन वर्ब के रूप में काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर स्टडी जो वर्ब है उसके आगे आपको टू लगाना जरूरी है ना, और परीक्षाओं में कभी कभी इसको गैप कर दिया जाता है जिससे कि वह एरर में आ जाता है। तो विकास नीडेड है ना, यहाँ पर हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर नीड जो फॉर्म है उसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है,
इसको हम लोग समझ गए। इसके बाद एक और उदाहरण से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यस, डू यू नीड टू वर्क हार्ड, क्या तुम्हें कठिन मेहनत परिश्रम करने की आवश्यकता है? डू यू नीड टू वर्क नाउ? यस, प्रश्नवाचक वाक्य आ गया, प्रश्नवाचक वाक्य आ गया तो हम समझ जाएंगे कि यह ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में क्या क्या है, मॉडल वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है। मैं शुरू में आपको पहले बताया हूं कि यह जो नीड और डियर है इनकी प्रकृति हाइब्रिड होती है, मिली जुली होती है, इसीलिए हम लोग इसको सेमी मॉडल कहते हैं। ओके, तो डू यू नीड टू वर्क हार्ड प्रश्नवाचक वाक है और इसलिए यहां पर नीड जो है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है। जब ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है तो यहां पर क्या करना है, उसको समझ दे रहा है कि अब बिल्कुल मॉडल वर्ब के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, एक और उदाहरण के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यू नीड नॉट हैव गोन देयर। यस, निगेटिव सेंटेंस यहां आ गया, यहां पर आपका इंट्रोगेटिव साइन था, इसको आप लोगों को बार बार समझने की और देखने की जरूरत है। यू नीड नॉट हैव गोन देयर, ये नोट लग गया, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया गया। ठीक है, और इसको पार्ट फॉर्म में आ गया, इसलिए पार्ट फॉर्म करने के लिए यहां पर हैव का प्रयोग किया गया और यहां पर क्रिया का तीसरा रूप जो है लगाया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। शी डेयर, अब आ गया हमारे पास डेयर का, यहां से कंसेप्ट जो मेरा है वह डेयर का शुरू हो रहा है। ठीक है, तो डेयर का समस्या क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। डेयर, डेयर का मतलब क्या, साहस, एक चुनौती, चैलेंज होता है ना, तो चैलेंज के संदर्भ में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। शी डेयर टू स्पीक, डेयर टू स्पीक इंग्लिश। यस, She dared to speak English, है ना? She dared to speak English. तो यह जो है यहाँ पर she dared to speak English. She dared to, यहाँ पर manipulation किया गया है। Dare के साथ इसमें कुछ रूप परिवर्तन किए गए हैं। इसलिए इसको हम auxiliary verb के रूप में इसको जानेंगे और यहाँ पर यह मॉडल वर्ब के रूप में काम कर रहा है। हमने देखा कि किस तरह से इसकी प्रकृति बदल रही है, बार बार बदल रही है, कभी वह मेन वर्ब बन जा रही है और कभी ऑक्सिलरी की भूमिका में आ रही है। जैसे ही उसका मैनिपुलेशन देखेंगे हम लोग समझ जाएंगे कि यह जो है जरूर इसमें ऑक्सिलरी जो वर्ब है के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, चलिए वंस अगेन, आई डेयर, यस आई डेयर टू गो आउटसाइड नाउ। ठीक है, आई डेयर टू गो आउटसाइड नाउ। ठीक है, डेयर यहां पर मेन वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है ना। जब भी मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो यहां पर टू गो, है ना, आप यहां पर टू लगा सकते हैं। ठीक है, और टू क्या है यहां पर, क्या टू गो के टू लगा करके इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नाउन के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है, टू गो, है ना, टू इन्फिनिटिव के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है। चलिए वंस अगेन एक और सेंटेंस देखते हैं। डेयर डेयर ही से शो, डेयर ही से शो, साहस, चुनौती, है ना। तो इस तरह से ही से शो या जो इंट्रोगेटिव साइन है इससे हम लोग समझने में देर नहीं लगाना चाहिए, या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। डेयर, है ना, इंट्रोगेटिव साइन है इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। ही डज नॉट डेयर, ठीक है, डज नॉट डेयर मी टू फाइट। ठीक है, तो यहां पर डज नॉट डेयर, यहां पर क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव में क्या कहेंगे इसको, ऑक्सिलरी के रूप में इसको समझेंगे। डज नॉट यहां पर क्या हो रहा है इसका, मैं डेयर मी टू ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया। इस तरह से आज हम समय समझने की कोशिश की किस तरह से डेयर और नीड का जो कंसेप्ट है वो हमारे लिए काफी परेशान करने वाला होता है, और इस तरह से आप आगे आप कभी भी इस तरह के जो गलतियां हैं परीक्षा में नहीं करेंगे, और इस तरह से
आप लोग का ये जो कंसेप्ट है आज बिल्कुल क्लियर हो रहा है, ठीक है। वंस अगेन फिर हम लोग मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।